हम एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर में, क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे इसमें हमने। अब हम आगे कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। वन माइनस आइटा होल पावर माइनस टू प्लस वन प्लस आइटा होल पावर माइनस टू, तो माइनस में पावर है, नीचे जाकर प्लस हो जाएगी, यहाँ से इन स्क्वेयरों को खोल लेंगे हम। वन माइनस आइटा का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, वन अपॉन वन प्लस आइटा स्क्वेयर प्लस टू आइटा, तो आइटा स्क्वेयर की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन, वन से वन कैंसिल, यहाँ पर भी वन से वन कैंसिल, ये वैल्यू आगे पहले वाले की माइनस वन बाई टू आइटा प्लस वन बाई टू आइटा, दोनों कैंसिल हो गए, क्या वैल्यू आ गई, जीरो, क्योंकि आइटा स्क्वेयर क्या होता है, माइनस वन। ये हमने ए माइनस बी के होल स्क्वेयर से खोला है, ये ए प्लस बी के होल स्क्वेयर से खोला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। वन प्लस टू आइटा प्लस थ्री आइटा स्क्वेयर अपॉन वन माइनस टू आइटा प्लस थ्री आइटा स्क्वेयर, तो आइटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है माइनस वन, तो ये हो जाएगा वन प्लस टू आइटा माइनस थ्री अपॉन वन माइनस टू आइटा माइनस थ्री, माइनस टू प्लस टू आइटा अपॉन माइनस टू आइटा, ऊपर से टू कॉमन लेंगे, नीचे से भी टू कॉमन लेंगे, टू से टू कैंसिल, माइनस वन प्लस आइटा अपॉन माइनस वन माइनस आइटा। अब हम नीचे से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा वन माइनस आइटा अपॉन वन प्लस आइटा, और इसका हम रेशनलाइज करेंगे, वन प्लस आइटा है तो वन माइनस आइटा से मल्टीप्लाई, वन माइनस आइटा से डिवाइड, ऊपर बढ़ गया वन माइनस आइटा का स्क्वेयर अपॉन वन का स्क्वेयर माइनस आइटा स्क्वेयर, ऊपर वाले स्क्वेयर को हम खोल लेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी अपॉन वन माइनस आइटा स्क्वेयर होता है माइनस वन, वन माइनस वन माइनस टू आइटा अपॉन वन प्लस वन टू, वन से वन कैंसिल, माइनस टू आइटा अपॉन टू, वैल्यू आ गई माइनस आइटा। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, वन प्लस आइटा अपॉन वन माइनस आइटा होल पावर फोर एन प्लस वन, एन बिलोंग्स टू एन, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, तो इसके लिए ये पावर के अंदर जो कुछ है इसी का अंदर ही हम रेशनलाइज कर लेते हैं। वन प्लस आइटा अपॉन वन माइनस आइटा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वन प्लस आइटा से और वन प्लस आइटा से ही डिवाइड करेंगे, रेशनलाइज कर दिया अंदर ही, अंदर ही बढ़ गया वन प्लस आइटा का स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और कंप्लीट पावर फोर एन प्लस वन। इस स्क्वेयर को हम खोल लेंगे, वन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी अपॉन वन और आइटा स्क्वेयर माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन और होल पावर फोर एन प्लस वन, तो यहाँ पर आइटा स्क्वेयर क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस टू आइटा अपॉन टू होल पावर फोर एन प्लस वन, वन से वन कैंसिल, और ये वैल्यू आ गई टू आइटा अपॉन टू होल पावर फोर एन प्लस वन, टू से टू कैंसिल, आइटा रेज टू पावर फोर एन इंटू आइटा, पावर क्या है फोर एन प्लस वन, तो हम प्लस है तो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं अलग अलग करके, आइटा रेज टू पावर फोर एन इंटू आइटा
और आईटा की पावर 4 है तो वैल्यू कितनी होगी, 1। तो इस पहले वाले की वैल्यू 1 इंटू आईटा क्या आ गया, आईटा, बिकॉज आईटा रेज टू पावर 4 रेज टू पावर n क्या होगा, 1 रेज टू पावर n, और 1 रेज टू पावर n क्या होगा, 1। तो ये वैल्यू आई है 1। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है रूट टू प्लस आईटा रूट थ्री प्लस रूट टू माइनस आईटा रूट थ्री अपॉन रूट थ्री प्लस आईटा रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस आईटा रूट टू। इसमें देखो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सेम है ऊपर, ये प्लस का और ये माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और नीचे भी ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, ऐड होंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास, ये कैंसिल हो गए, वैल्यू आ गई 2√2 अपॉन 2√3, 2 से 2 कैंसिल, और ये दोनों रूट के अंदर हैं तो कंप्लीट रूट के अंदर लिख देंगे 2/3। क्वेश्चन नंबर 6 है फर्स्ट पार्ट, शो दैट 3 प्लस 2 आइटा अपॉन 2 माइनस 5 आइटा प्लस 3 माइनस 2 आइटा अपॉन 2 प्लस 5 आइटा इज रैशनल, ये शो करना है कि रैशनल होगा, तो इसको हम शो करेंगे रैशनल नंबर होगा ये। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम दोनों डिफरेंट है तो दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम होगा 2 माइनस 5 आइटा इंटू 2 प्लस 5 आइटा, 2 माइनस 5 आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 2 प्लस 5 आइटा, तो 3 प्लस 2 आइटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 5 आइटा से, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 माइनस 5 आइटा इंटू 3 माइनस 2 आइटा। अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 2 आइटा से करेंगे 4 आइटा, 5 आइटा से करेंगे 15 आइटा, और +10 आइटा स्क्वेयर, और अब इनकी भी करेंगे बारी बारी से सभी की, 2 की इसके साथ इसके साथ, तो 2 की करेंगे तो 6 माइनस 4 आइटा, और -15 आइटा, और +10 आइटा स्क्वेयर, माइनस माइनस +10 आइटा स्क्वेयर अपॉन नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी से ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो यहाँ पर आइटा स्क्वेयर -1 होता है, ये भी -1, और ये 15 आइटा से 15 आइटा कैंसिल, 4 आइटा से 4 आइटा कैंसिल, और वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस 6 12, -10 -10 -20 अपॉन 4 -25 आइटा स्क्वेयर, तो ये वैल्यू आ गई -8 अपॉन 4 प्लस 25, वैल्यू आ गई -8/29 विच इज रैशनल, क्योंकि पी बाई क्यू फॉर्म में है, ये प्रूव हो गया विच इज रैशनल, रैशनल ही हमें प्रूव करना था, रैशनल आ गया है। इसके लिए हमने क्या किया, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम दोनों डिफरेंट थे तो दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम हो गया, इससे डिवाइड किया, फिर ये मल्टीप्लाई, ये कैलकुलेट किया हमने तो वैल्यू आ गया, आइटा स्क्वेयर क्या होता है -1, तो -10 -10 -20, 6 प्लस 6 12 -20 -8/29। अब इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, 2 प्लस 3 आइटा अपॉन 3 प्लस 4 आइटा इंटू 2 माइनस 3 आइटा अपॉन 3 माइनस 4 आइटा, ये हमें प्रूव करना है इज रियल, इसको रियल प्रूव करना है, ये रियल नंबर होगा, तो इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन
टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, आईटा स्क्वायर अपॉन नाइन माइनस सिक्सटीन आईटा स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी हमने यूज की है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह टू और बी की जगह थ्री आईटा, तो ये वैल्यू आ गई फोर प्लस नाइन अपॉन नाइन प्लस सिक्सटीन, 13/25 ये वैल्यू आ गई है, और ये रियल नंबर है, विच इज ए रियल, ये प्रूव करना था कि रियल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फर्स्ट पार्ट, इफ जेड वन इज इक्वल टू माइनस थ्री आईटा, जेड टू इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर आईटा, जेड थ्री इज इक्वल टू टू माइनस थ्री आईटा, देन वेरीफाई दैट फर्स्ट पार्ट है जेड वन इंटू जेड टू जेड थ्री इज इक्वल टू जेड वन जेड टू इंटू जेड थ्री, और दूसरा पार्ट है जेड वन इंटू जेड टू प्लस जेड थ्री इज इक्वल टू जेड वन जेड टू प्लस जेड वन जेड थ्री, ये वेरीफाई करना है हमें, तो ये फर्स्ट पार्ट भी करना है और सेकंड भी करना है, दोनों वेरीफाई करने हैं। तो पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है वो, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमें प्रूव करनी है राइट हैंड साइड के, तो जेड टू जेड थ्री की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, थ्री प्लस फोर आईटा इंटू टू माइनस थ्री आईटा, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से हमारे पास थ्री इंटू टू सिक्स, माइनस नाइन आईटा, फोर आईटा से करेंगे तो एट आईटा, माइनस ट्वेल्व आईटा स्क्वेयर, और आईटा स्क्वेयर कितना होता है, आईटा स्क्वेयर होता है माइनस वन, तो ये हो जाएगा प्लस ट्वेल्व, 12 प्लस 6 क्या हो जाएगा 18 माइनस आईटा, ये वैल्यू आ गई जेड टू इंटू जेड थ्री की, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम जेड वन से, तो जेड वन इंटू जेड टू जेड थ्री इज इक्वल टू जेड वन की वैल्यू है माइनस थ्री आईटा इंटू 18 माइनस आईटा, तो हम पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 54 आईटा माइनस माइनस प्लस थ्री आईटा स्क्वेयर, और आईटा स्क्वेयर होता है माइनस वन, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री माइनस 54 आईटा, ये तो आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालेंगे इसकी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के लिए हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जेड वन जेड टू की, ब्रैकेट में कौन है जेड वन जेड टू, तो जेड वन की मल्टीप्लाई जेड टू से करेंगे, माइनस थ्री आईटा इंटू थ्री प्लस फोर आईटा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस नाइन आईटा, और ये करेंगे तो माइनस ट्वेल्व आईटा स्क्वेयर, आईटा स्क्वेयर होता है माइनस वन, तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये वैल्यू आ गई 12 माइनस नाइन आईटा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम जेड थ्री से, तो 12 माइनस नाइन आईटा इंटू जेड थ्री की वैल्यू है 2 माइनस थ्री आईटा, मल्टीप्लाई करेंगे 12 की 2 से, 24 माइनस 36 आईटा माइनस 18 आईटा प्लस 27 आईटा स्क्वेयर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आईटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है माइनस वन, तो 24 माइनस 54 आईटा और माइनस 27 आईटा स्क्वेयर माइनस वन, तो ये ऐड करेंगे तो माइनस थ्री माइनस 54 आईटा, ये इसकी राइट हैंड साइड है, दोनों वैल्यू इक्वल आ गई पे वेरीफाई हो गया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, जो हमें क्या प्रूव करना है, जेड वन इंटू जेड टू प्लस जेड थ्री इज इक्वल टू जेड वन जेड टू प्लस जेड वन जेड थ्री, तो इसके लिए भी हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और राइट हैंड साइड की फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्रैकेट में है पहले वो वैल्यू निकालेंगे, तो जेड टू प्लस जेड थ्री की वैल्यू निकालेंगे पहले, तो हम थ्री प्लस फोर आईटा प्लस टू माइनस थ्री आईटा,
ये ऐड होगा तो वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस आइटा, Z2 प्लस Z3 हो गया 5 प्लस आइटा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम Z1 से, Z1 की वैल्यू है -3 आइटा इंटू 5 प्लस आइटा, तो ये हो जाएगा -15 आइटा -3 आइटा स्क्वेयर। आइटा स्क्वेयर होता है -1, तो -15 आइटा प्लस 3, ये वैल्यू आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड की निकालेंगे, उसके लिए पहले Z1 Z2 निकालेंगे, -3 आइटा इंटू 3 प्लस 4 आइटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आइटा और -12 आइटा स्क्वेयर, और आइटा स्क्वेयर होता है -1, तो -9 आइटा प्लस 12। इसी तरीके से Z1 Z3 निकालेंगे, -3 आइटा इंटू Z3 की वैल्यू है 2 माइनस 3 आइटा, तो ये वैल्यू हो जाएगी -6 आइटा प्लस 9 आइटा स्क्वेयर। आइटा स्क्वेयर होता है -1, तो -9 आ गया। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आ गई -15 आइटा। आइटा में आइटा की टर्म ऐड होगी, और विदाउट आइटम विदाउट आइटा की रियल पार्ट्स में रियल पार्ट ऐड होंगे, इमेजिनरी पार्ट्स में इमेजिनरी ऐड होंगे। दोनों के साइन सेम है तो दोनों को ऐड करेंगे, 9 और 6 15, और साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। 12 माइनस 9 क्या आ जाएगा, +3। ये ही इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये ही राइट हैंड साइड है, दोनों वैल्यू इक्वल आ गई है। यही वेरीफाई करना था इस क्वेश्चन में हमें, Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, ये वेरीफाई करना था जो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है। आगे इफ 3 प्लस a प्लस आइटा b इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आइटा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की हमें वैल्यू निकालनी है इसमें। तो देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होते हैं तो क्या करते हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, तो जो बगैर आइटा के है वो रियल पार्ट है, और जो आइटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस a इज इक्वल टू 5, क्योंकि रियल पार्ट इधर और ये इधर है, और b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8, जो आइटा के साथ है वो आइटा के इक्वल होगा, आइटा वाली टर्म के। तो b की वैल्यू 8 आ गई, और a की वैल्यू आ गई 5 माइनस 3 2, तो a 2 आ गया और b 8 आ गया, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजरी पार्ट्स से हमने किया। तो जो आइटा वाली टर्म है वो तो आइटा वाले के इक्वल होगी, कोफिशेंट उनके। सेकंड पार्ट है इफ फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई गिवन दैट एक्स प्लस आइटा वाई इंटू 2 माइनस 3 आइटा इज इक्वल टू 4 प्लस आइटा। हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, इक्वल गिवन है, तो इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 2x माइनस 3x आइटा प्लस 2 आइटा वाई, और फिर इससे करेंगे तो -3y आइटा स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 प्लस आइटा। अब जो आइटा स्क्वेयर है उसकी वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, और इसमें से आइटा कॉमन लेंगे तो ये होगा 2y माइनस 3x इंटू आइटा इज इक्वल टू 4 प्लस आइटा। क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल पार्ट हमने अलग कर लिए हैं और इमेजिनरी पार्ट्स अलग कर लिए हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल पार्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4,
और 2y-3x इज इक्वल टू 1, ये इमेजनरी पार्ट है, आइटा के साथ है वो। तो इन दोनों इक्वेशनों को हम सोल्व करेंगे। तो दोनों इक्वेशनों को कैसे सोल्व करेंगे, एक्स के कोफिशियंट इक्वल कर लें या फिर वाई के। तो एक्स के कैसे करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 तो ये हो जाएगा 6x+9y इज इक्वल टू 12। और इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2, सेकेंड इक्वेशन को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6y-6x, इसको आगे लिख लेते हैं, 6y+4y-6x+4y इज इक्वल टू 2। अब दोनों को ऐड कर देते हैं तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक एलिमिनेट हो जाएगा, 13y इज इक्वल टू वैल्यू आ रही है 14। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई है 14/13। इस y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, फिर x की वैल्यू आ जाएगी 2x+3×14/13 इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज 2x+42/13 इज इक्वल टू 4। 2x इज इक्वल टू 4-42/13, एलसीएम हो गया 13, 52-42। 2x इज इक्वल टू 10/13, ये इसको इधर लेके माइनस एलसीएम ले लिया, 13 से मल्टीप्लाई हो गया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई 5/13। एक्स की वैल्यू वाई की पहले आ गई थी। अब इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई गिवन दैट एक्स प्लस आइटा वाई इंटू 2-3i इज इक्वल टू, सॉरी वही क्वेश्चन लिख लिया हम दोबारा से, फाइंड दी, इसमें ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट में है, इफ एक्स प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करके दिखाना है इसमें। तो कैसे करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट से पहले इसके स्क्वेयर कर लें, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab से हमने इसको खोल लिया है, ये वैल्यू आ गई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 2i(xy) इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी। तो हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स तो वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए और 2xy इज इक्वल टू बी, ये वैल्यू आ गई। रियल पार्ट तो जो विदाउट आइटा है और जो आइटा के साथ है वो इमेजनरी पार्ट, दोनों तरफ इक्वेटिंग कर लिए। अब हमें ये प्रूव करना है कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए की वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस 2xy का स्क्वेयर। इस स्क्वेयर को खोल लेते हैं हम, एक्स की 4 प्लस वाई की 4 ए माइनस बी के होल स्क्वेयर से, एक्स की 4 प्लस वाई की 4 माइनस 2xy स्क्वेयर और प्लस 4xy स्क्वेयर की वैल्यू आ गई एक्स की 4 प्लस वाई की 4 प्लस 2xy स्क्वेयर और ये होल स्क्वेयर बन गया है x²+y² का। और ये ही हमें प्रूव करना था, इसकी राइट हैंड साइड है तो वैल्यू इक्वल आ गई। हमने ए की वैल्यू रखी ए की जगह और बी की वैल्यू रखी बी की जगह, स्क्वेयर करें कैसे को ले, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर पहले वाले का स्क्वेयर प्लस दूसरे वाले का स्क्वेयर माइनस 2ab दोनों की मल्टीप्लाई
प्लस 2x वाई का स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो ये प्लस का रह गया, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से x की 4 प्लस y की 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड आई है इसकी।